नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अ पैरट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक. नाउ हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन. ऑप्शन है 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड. ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, रिलेटिव वेलोसिटी से हम इसको आराम से कर सकते हैं. सवाल कुछ इस प्रकार है कि यह आपकी ट्रेन है और आपकी ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है. राइट, पैरेलल ट्रैक पे एक आपके पैरेट ने उड़ना स्टार्ट किया. पैरेट अपना यहाँ से यहाँ फ्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से और साउथ में इसने फ्लाई करना चालू किया. सवाल है कितनी देर में इसको ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम कितना लगेगा, कितनी देर में वो क्रॉस कर लेगा. आपने कोई लेंथ दे रखी है 150 मीटर. नाउ इस सवाल को हम बड़े आराम से रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी से करने का मतलब यह है किसी एक को इनमें से रोक दें. ठीक है, सो लेट अस से हमने ट्रेन को रोक दिया. अगर ट्रेन को रोक दिया हम इसको ऐसा कहते हैं कि उस केस में इसको रोका तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे दी. उसका मतलब क्या है एक बार ये समझ लेते हैं. सो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं 10 ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसको आप लिख लें 10 J कैप. राइट, 10 J कैप ये हो गई. वेलोसिटी ऑफ पैरेट जो है वो हम लिख सकते हैं -5 J कैप बिकॉज ये इस डायरेक्शन में है. नाउ हम जानना चाहते हैं कि अगर हमने ट्रेन को रोक दिया तो हम जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा. इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. राइट, सो वेलोसिटी ऑफ पैरेट इज -5 J कैप. उसको आप माइनस कर सकते हैं 10 J, सो दिस विल बी -15 J कैप. तो अब ये पैरेट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड साउथ की डायरेक्शन में. ना अगर ये आपकी वेलोसिटी है तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं टाइम t विल बी इक्वल टू आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज़ 150 मीटर बिकॉज ट्रेन अब रुकी हुई है, ट्रेन अब मूव नहीं कर रही है. इस केस में जब हम रिलेटिव मोशन कंसिडर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द स्पीड, स्पीड हो जाएगी अपनी 15, सो दिस विल बी 10 सेकेंड्स. राइट, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर d 10 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.